नाम तो सुना होगा। स्टार्ट होके ये जामिल का AHU यूनिट है, इसके हीटर के ऊपर बात करते हैं। हीटर का जो कॉमन जो उसका वायरिंग है उसके ऊपर, उसका हीटर का वायरिंग डेल्टा पे होगा या स्टार पे होगा उसके ऊपर बात करते हैं कि हुआ क्या है। आप इसका मीन एक कोई टेक्नीशियन थे, बड़े सीनियर है तो खैर जो भी है, तो एक मिनट। तो जनाब ने ये कहा, तो इसीलिए मैंने कहा उस पर वीडियो बनाया जाए। तो जनाब ने, आप देखिए, आप अगर इसको कोयल देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 एक में आपको 3 कोयल है। तो जनाब ये कह रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4 टोटल, अगर स्टेज वाइज देखें आप तो 4 स्टेज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट में आपको फर्स्ट दिख रहा है ना, 4 लाइन पूरा ऊपर से अगर आप देखें, 1, 2, 3, 4 तो कह रहे हैं कि 4 आपका कोयल है। उनका ये कहना, मैं बाद में समझाऊंगा, 4 कोयल है। अब वो यहाँ आ रहे हैं, वो आके वो भाई ये कह रहे हैं कि 3 कॉन्टेक्टर क्यों, तो वो कह रहे हैं कि भाई जामिल ने गलती किया, वो कह रहे ऐसा है, जामिल ने गलती नहीं किया है, कन्फर्म नहीं किया है, तो खैर वो ऐसा कह रहे हैं। तो सीनियर टेक्नीशियन है साइट के, तो वो ये कह रहे हैं कि 4 कोयल का 4 सेक्शन है, लेकिन जामिल ने सिर्फ 3 ही कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया है। तो गलत किया, बिल्कुल गलत नहीं किया, जामिल ने सही किया। वो कमेंट्स करने में जल्दी कर गए, थोड़ा सा अगर गौर करते इसी में तो उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो बोलते कि करेक्ट है, सही है, ठीक था, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो ये गलती की वजह से। तो कोई मुश्किल नहीं, इस तरह के लोग मिलते रहते हैं, थोड़ा जल्दबाजी होता है ना, जल्दी जल्दी में तो होता है ऐसा। अब हम बात करेंगे हीटर के ऊपर। ये देखिए, ये हीटर आपका 1 है, 3, 3, 3 और टोटल आपका ही 12 हो गया। कॉन्टेक्टर 3 है, उन्होंने सही कहा, वो बात सही है, ठीक है। पहले तो मेन क्या है, इसका कनेक्शन समझो कि कौन से कनेक्शन में चलेगा। तो डायग्राम बता रहा है, अकॉर्डिंग टू जो डायग्राम के हिसाब से, आप डायग्राम को जब फॉलो करेंगे उसके हिसाब से, जो ये पहचान है, सिंबल है, आप जो देख रहे हैं, क्लियरली मेंशन भी किया है, डेल्टा वायरिंग में ये चलेगा। तो डेल्टा वायरिंग कैसा होता है, लोग जानते होंगे डेल्टा वायरिंग कैसा होता है। डेल्टा वायरिंग ऐसा होता है जो लोग मालूम होगा, आपके इसके 6 पॉइंट है, एक इस तरह से कर लो, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, सेम लाइन, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यानी कि दोनों तरफ से आपको 3-3 फेज देंगे। ये भी ये डेल्टा का एक वेरिंग है। एक इस तरह से भी कर सकते हैं आप, दूसरा जो सेम वही डेल्टा, ये भी डेल्टा आपका, ठीक है, यानी कि 6 पॉइंट है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये दोनों को आपस में मिला दिया, लाइन 1 यहाँ दे दिया, काफ़ी है, सेम है, काफ़ी है, आप दोनों को मिला दिया, यहाँ लाइन 2 दे दिया और दोनों को मिला के लाइन 3 दे दिया, ठीक है। तो ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, इस तरह क्यों करते हैं, यानी कि मान लीजिए कुछ छोटा केबल चाहिए, जैसे आपको एक थोड़ा समझाने के लिए मोटर पर आइए, अभी मोटर पे मान लो, अब इसका डेल्टा वायरिंग करना है, ठीक है, 10 मिली का वायर है, तो आराम से आप दोनों तरफ 6 पॉइंट है, क्लिप लगा के एक तरफ आप केबल डाल दी। लेकिन मान लीजिए कोई कोई साइड में आपको 30 मिली का वायर लगाना पड़ता, बड़ा हेवी मोटर है, तो केबल नहीं जाएगा, तो वहाँ आपको 2 केबल लेना होगा, केबल नहीं जाएगा, है ना, 2 होल दिया हुआ रहता है, इसीलिए 2 एक्स्ट्रा होल दिया रहता है, इसमें दिया हुआ है, लेकिन एक केबल से वो आराम से चल जा रहा है, लेकिन जब मोटा वायर होगा तो नहीं जाएगा। तो फिर आपको जब 30 मिली का वायर इस्तेमाल करना, तो फिर क्या करेंगे आप, 32 मान लो 30 या 32 का इस्तेमाल करना है, तो फिर आपको 16 मिली का वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा, 16 इसमें 16 इसमें, तो सेम डेल्टा वायरिंग होगा, लेकिन साइज की वजह से यहाँ जगह नहीं है, लेकिन हीटर के पास जगह था और वायर भी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, 6 से 8 मिली का वायर चाहिए, ठीक है। तो इसने किया क्या, जामिल ने वो यही ये वायरिंग किया, उसने यहाँ से यहाँ एक जंप लिया। अब देखिए, यहाँ से ये आपका लाइन 1 है, लाइन 1 से लाइन 1 भी लिया एक, ये केबल अगर देख रहे हैं आप, पावर ऑफ इसलिए, हाँ ठीक है, ये केबल वो लिया और लेके वो सीधा, ये देखिए, ये सीधा जंप किया वो लाइन 1, उसको फेस दे दिया डायरेक्ट, यहाँ से एक फेस उठाया, यहाँ फेस दे दिया, सेम वही है। दूसरा L2 को, L2 यहाँ से लिया,
L2 लेके यहाँ L2 दिया, और यहाँ से एग्जम्प्ट लेके दूसरा पॉइंट पे L2 पे दे दिया। बाद में L3 लिया कॉन्ट्रेक्टर से, लेके सीधा उठा के लिया, वो L3 पे दिया, यहाँ दिया, और यहाँ से एग्जम्प्ट लेके ये आपको यहाँ दे दिया। सिंपल ईजी हो गया, वो स्टार कनेक्शन में। तो ये एक कॉन्ट्रेक्टर का, एक कॉन्ट्रेक्टर से जो आउटपुट क्या हो रहा है, देखिए एक 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 फेस है ना, लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रेक्टर से भी यही किया, लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री, और आपको यहाँ लाइन वन दिया, लाइन टू दिया, लाइन थ्री दिया, यहाँ से जंप लेके एक एक वायर लेके एल वन एल टू एल थ्री हो गया। यानी कि एक कॉन्ट्रेक्टर इसके लिए, ये बैकअप कॉन्ट्रेक्टर है, वो इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो क्या किया है, वो पावर ये ले रहा है, मेन पावर सबसे पहले, वो मेन जो पावर सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई वो ब्रेकर में है, वो मेन ब्रेकर, ब्रेकर से डायरेक्ट वो केबल, ये केबल आ रहा है, ये वाला, ये देखिए ये केबल आ रहा है, वो यहाँ लग रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर ये आउटपुट किया, लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री, फिर ये आपको आउटपुट करके वो फ्यूज में लेके आया, फिर फ्यूज का ये इनपुट हो गया, यानी पूरा एक ही केबल है, अभी मेन पावर है ना, ये इसका इनपुट है, ये आउटपुट है, फिर वो लाके ये इसका इनपुट किया, यहाँ इनपुट करके फिर इसका यहाँ से फिर आउटपुट किया, फिर आउटपुट किया, फिर आउटपुट करके फिर ये इसका कॉन्ट्रेक्टर में इनपुट के लिए, ये पावर सप्लाई के लिए कॉन्ट्रेक्टर इस्तेमाल किया है, हाँ पावर सप्लाई के लिए ये कॉन्ट्रेक्टर इस्तेमाल किया है। फिर देखिए ये इसका इनपुट है, यानी फ्यूज से जो आउटपुट हुआ है वो ये इसका इनपुट है, ये इनपुट हो गया, फिर यहाँ से ये आउटपुट कर रहा है, वो इस्तेमाल किया है, अगर नहीं भी है तो डायरेक्ट आप वो पावर सप्लाई यहाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, इजीली इसको हटा सकते हैं आप, डायरेक्ट आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं। तो वो अपने सेफ्टी के लिए अपना इस्तेमाल किया है कॉन्ट्रेक्टर, तो ये पावर सप्लाई के लिए है, हाँ ये हीटर के कॉन्ट्रेक्टर के लिए जब डिमांड आएगा तो ये दोनों डिमांड के ऊपर चलेगा, काम करेगा, ये नहीं, हाँ इसका ओके। तो ये इसका इनपुट हुआ, तो ये आउटपुट हुआ, आप देखें यहाँ लिखा है ना, क्लियरली मेंशन है भाई, L1, L2, L3, तो ये वाला जो पीछे वाला L1, L2, L3 वो कहाँ लग रहा है, देखिए यहाँ से निकल के वो यहाँ लग रहा है, L1, L2, L3, फिर आपका L1, L2, L3। तो जामिल ने एक कॉन्ट्रेक्टर इस्तेमाल किया है पावर सप्लाई कंट्रोल, जो हीटर को जो कंट्रोल करेगा उस कॉन्ट्रेक्टर को देने के लिए, डायरेक्ट नहीं पावर सप्लाई दे, जबकि देखिए कॉम्प्रेसर में ब्लोअर में सब जगह डायरेक्ट रहता है, लेकिन हीटर के लिए जो एएचयू में जो हीटर इस्तेमाल करता है उसके लिए वो ये बैकअप कॉन्ट्रेक्टर इस्तेमाल करता है जामिल, ठीक है। उसका एक अपना डिज़ाइन है, उसका अपना ये है, ठीक है। तो ये हो गया, तो मेन आपका ये इसका आउटपुट, फिर वहाँ से आपका ये इनपुट है, ये फिर इसका आउटपुट है, फिर यहाँ से फिर इसका ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये दोनों कॉन्ट्रेक्टर को पावर सप्लाई दे रहा है, ठीक हो गया। हाँ अभी कुछ सवाल आएगा तो, हाँ अब इसको जो ये डायरेक्ट पावर ऑन करेंगे तो ये फौरन एनर्जाइज हो जाए, जैसे आप पावर ऑन करेंगे एनर्जाइज हो जाएगा, कैसे, उसके लिए वो यहाँ न्यूट्रल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। देखिए अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ओके अभी देखिए, और ध्यान थोड़ा दीजिएगा, ये जो कॉन्ट्रेक्टर है इसका, ये कॉयल पे गौर कीजिए, कॉयल कितना है इसका, ये 240 है लिखा हुआ, कॉयल सी ओ आई एल कॉयल लिखा हुआ ना, 240 वोल्टेज का, यानी 220 वोल्टेज का ये कॉन्ट्रेक्टर है, लेकिन ये आपका 220 नहीं, ये 24 है, ये देखिए गौर कीजिए, ये 24 वोल्ट का, ठीक है ना, ये 24 का, ये दोनों, तो जो डिमांड या कमांड बीएमएस डीडीसी थर्मोस्टेट से जो आएगा वो 24 पे काम करेगा, लेकिन ये आपका 220 है, तो इसको कंट्रोल कैसे कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए 220 चाहिए, तो 220 क्या किया, वो यहाँ पर वायर देखिए, जिसका कॉयल है, जो इस कॉन्ट्रेक्टर का जो बैकअप कॉन्ट्रेक्टर का जो कॉयल का जो वोल्टेज कितना चाहिए, 220 चाहिए, वो क्या है, वायर नंबर कितना है, ये 23 और ये 24, 23 24, ठीक है, 23 24 कहाँ से लिया है, वो यहाँ से लिया, ये न्यूट्रल से लिया है, तो डायरेक्ट वो न्यूट्रल लाके यहाँ दे दिया, अब उसको हाँ डायरेक्ट वो न्यूट्रल लाके वो लाके सीधा डायरेक्ट वो आपको लाके यहाँ दे दिया। अब आपको चाहिए क्या, फेस चाहिए, फेस कहाँ से लिया है, वो फेस यहाँ से उठा के डायरेक्ट उसको दे दिया, तो जैसे आप ब्रेकर ऑन करेंगे उसको वो मिल जाएगा, है ना, तो वही वो फेस लाके, हाँ लेकिन सॉरी एक मिनट, मैंने थोड़ा सा मैं ये किया, वो सब सही था, ये वाला को डायरेक्ट नहीं दिया वो, सॉरी ये वाला को वो उठा के डायरेक्ट वो उठा के वो लेके गया है यहाँ पर, वो लेके गया है क्योंकि वायर नंबर कितना है आपका, यहाँ से 22 लेके गया है, लेकिन वो वहाँ पर 22 लगाया है, आउटपुट 24 किया है, आउटपुट 24 किया है, तो वायर ये क्या है आपका, ये है ओ एच टी सिमसम ओवरहीट थर्मोस्टेट है वो, यानी कि इफ़ बाय चांस
हीटर गर्म हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ एबनॉर्मल रहे, तो वो आपका इसमें हमेशा नॉर्मली आपका कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ तो कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा तो जो ये आउटपुट आपका, ये 24 नंबर आपको दिख रहा है वायर, 24 नंबर, ये 24 नंबर, वो 24 नंबर यहाँ आ रहा है, तो ये नॉर्मल होना चाहिए, तब जाके ये आपका एनर्जाइज होगा। इसमें कंटिन्यूटी रुका, ये आपका एनर्जाइज नहीं होगा, ये एनर्जाइज नहीं होगा तो आउटपुट नहीं देगा पावर, पूरा पावर ओके होने पर भी नहीं देगा। तो इसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो अगर इसमें कंटिन्यूटी नहीं है किसी वजह से भी, कोई भी प्रॉब्लम होने की वजह से या नॉर्मल होने की वजह से भी अगर नहीं हुआ तो फिर आपको कंटिन्यूटी नहीं देगा, और कंटिन्यूटी नहीं दिया तो आपका ये एनर्जाइज नहीं होगा, जब ये नहीं होगा तो आउटपुट नहीं देगा। तो यानी कि आपका कनेक्शन इसका एक डायरेक्ट न्यूट्रल डालिए, और उसका जो फेस है, फेस यहाँ से लेके आप इस पे लेके जाएंगे ओएसटी पे, और ओएसटी से आउट करके सीधा आप लेके आप यहाँ लगा दीजिए, बात खत्म। बस ये इसका इसका पावर सप्लाई का वायरिंग है, ये ब्रेकर, फ्यूज, कॉन्टेक्टर, और इसका ये डेल्टा वायरिंग ये है। बाद में रहा है इसका कंट्रोल का वायरिंग, कंट्रोल का वायरिंग के लिए, कंट्रोल का वायरिंग के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, पार्ट टू में उस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, आप समझ लीजिए आसानी होगा, तो मिक्सअप नहीं होगा ना। ओके, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।